हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सुबह का टाइम है तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और गाइस, कल के वीडियो में आप लोग को दिखाए थे कि मिस्टर कुमार आम बहुत सारा ढेर सारा 5-6 किलो आम लेकर आए थे अचार के लिए। तो मिस्टर कुमार ही काटे हैं, कटवा के नहीं लाए थे, वहाँ पर काटने वाला नहीं था तो कटवा कर नहीं लाए थे। और गाइस, मेरा सुबह का पूजा उजा हो गया है, ये देखिए। और इधर लट्टू गोपाल भी हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लड्डू गोपाल हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, मंदिर अलमारी अलवेरा रखा हुआ है ना, तो इसके वजह से थोड़ा सा अंधेरा, नहीं तो पहले पूरा लाइट जाता था। तो पूजा उजा कर रही हैं, लड्डू गोपाल को भोग भी लगा दिए हैं। और गाइस, आज आम का अचार, अभी तो अचार नहीं, अभी सुखाने के लिए, तो मिस्टर कुमार सुबह में उठ के काट उट दिए हैं और काट दिया मैं धोकर, और उसमें नमक और क्या बोलते हैं हल्दी, नमक और हल्दी डालकर रखी हूँ। अब छत पे ले जाऊँगी क्योंकि सूख जाएगा और धूप भी है अभी, तो 10 तो बज ही गया है करते करते, तो फिर ना सूख जाएगा। तो मैं शाम को देखूंगी, नहीं तो कल इसका वो मसाला वसाला बनाऊंगी। और देखिए गाइस, ये आम इतना ढेर सारा आम, तो देखिए गाइस, इसमें नमक और हल्दी डाल के रख दिए हैं। अब इसको चलते हैं छत पे डाल देते हैं। तो गाइस, छत पे डाल देते हैं क्योंकि एक हाथ से फिर डालेंगे, एक हाथ से मोबाइल पकड़ेंगे, नहीं दिखा पाएंगे आप लोग को। तो जब डाल देंगे ना आम, तो आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, डाल देते हैं, नहीं तो फिर धूप सही से लग जाएगा पूरा दिन। तो चलिए डाल देते हैं, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, हम आम डाल दिए थे छत पे, और देखिए बहुत धूप है, छत पे जाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो आपको तो दिखा देती हूँ, ये देखिए, तो यहाँ देखिए गाइस, सारे आम को डाल दी हूँ छत पे। और आज काफी धूप भी है तो सूख जाएगा आज, सूख रहा है तो सूख जाएगा। तो गाइस, छत पे बहुत ज़्यादा धूप है, तो चलते हैं नीचे। अब आज पूरा पूरा दिन इसको सुखाएंगे आम को, सूख जाएगा तो फिर मसाला इसका तैयार करूँगी। और मसाला तैयार करके फिर इसे डाल दूँगी, देखिए चपाई पे डाल दिया है नीचे। नीचे थोड़ा सा धूल उल से वैसे हो जाता है, तो इसलिए मैं चरपाई था ही मेरे पास, तो चरपाई पे दुपट्टा डाल के आम को डाल दी है। अब सूख जाएगा। तो चलिए गाइस, नीचे चलते हैं, और बहुत सारा काम भी है करने को, बर्तन वर्तन तो बोली है, लेकिन अभी कमरा उमरा साफ करना है, रूम साफ करना है, तो रूम साफ करेंगे। तो देखिए कमरे में आ गए हैं, और कमरा को साफ करना है, बर्तन वर्तन धो लिए हैं, कमरा साफ करना है, फिर कपड़ा वपड़ा धोएंगे। तो चलिएगा, जा मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, शाम का टाइम हो चुका है और मेरा आम सूख भी गया है। और देखिए, मैं मंदिर में दिया भी जला दी हूँ, लड्डू गोपाल को चाय और वो क्या उसको बोलते बन खिला दिए हैं, और हम भी खा लिए हैं। और गाइस, आम सूख गया है, ये देखिए आम, देखिए आम सूख गया है। और यहाँ पे देखिए, ये लंबा लंबा कटवाए हैं, तो इसको अलग लगाएंगे, मतलब सूखा टाइप का लगाएंगे। और ये देखिए इतना सारा आम, एक लग रहा बुआ में होगा ही नहीं,
तो सूख गया है, अब मसाला का तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, तो मसाला मतलब गरम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा गरम होता है ना, तो गरम कर रहे हैं। और देखिए मैं मसाले में क्या क्या ली हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोग को ताकि अच्छे से दिखेगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ये धनिया है, ये राई है, इसमें पीला और वो पीला और काला वाला राई एकदम पतला महीन वाला, और ये देखिए ये सरसों है, ये मोटा दाना है इसमें, और ये एकदम बारीक है। तो ये अचार में जाता है तो बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। और यहाँ पे देखिए सौंफ है, ये मेथी दाना है, और देखिए यहाँ पे पेन रख दिए हैं। अब हल्का हल्का सा सारे मसाले को हल्के हल्के से गरम कर लेते हैं, तो आप लोग को दिखाएंगे, गरम करके फिर पीसेंगे हल्का सा दरदरा। तो चलिए गाइस, पहले सारे मसाले को गरम कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मसाला हल्का हल्का सा गरम कर लिए हैं और ठंडा भी हो चुका है, अब जा रहे हैं पीसने। देखिए सारे मसाले को मैं हल्का हल्का सा गरम कर ली थी, अब जा रही हूँ मिक्सी में दरदरा पीस लेते हैं गाइस, तो आप लोग को फिर दिखाएंगे। तो गाइस देखिए, अचार का मसाला भी तैयार कर लिए हैं, और ये आम है, तो अब आम में मसाला डालेंगे। तो देखिए ये आम पूरा एक कठौत है, एक कठौत ये है, और ये देखिए गाइस ये है। तो इसको ना लंबा लंबा हुआ ऐसे करवाए हैं कि थोड़ा सा दूसरे टाइप का लगाएंगे, हल्का सुखा कर, और इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, हल्का मसाला डाल कर बनाएंगे। तो ये देखिए एक कठौत ये है, और इतना सा ये है एक कढ़ाई। अचार बना ले रहे हैं कि वैसे ना बन जाता तो सही रहता। और देखिए मैं सारा मसाला तैयार कर ली हूँ पीस कर। ये देखिए ये सौंफ है, इससे मैं दरदरा सारे मसाले को दरदरे पीस ली हूँ। और ये है राई है, पतला वाला महीन वाला राई है, और ये सौंफ हो गया, और ये मेथी दाना जो था उसको पीस लिए हैं, और इधर धनिया है, और सरसों है वो बारीक वाला है, ये मोटा वाला सरसों है, और इधर ये धनिया है। तो जैसे मतलब मेरी मम्मी लगाती है, बहुत ही अच्छा लगाती है मेरी मम्मी, स्वादिष्ट है एकदम से, तो वैसे वैसे ही मैं भी लगा रही हूँ। तो गाइस अब मसाला डाल देते हैं सारे मसाले को। कुछ लोग पहले मसाला को मिक्स करके डालते हैं, तो वैसे मैं नहीं डालती, मैं हम लोग ऐसा ही लगाते हैं, जैसे लगाते हैं वैसे बता रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं। और ये देखिए मैं सारा मसाला, ये सरसों मेथी दाना सारा डाल दिए, देखिए सारा मसाला डाल दिए हैं। और यहाँ पे ये है मंगरेल जवाइन है, देखिए मंगरेल जवाइन है, तो थोड़ा सा ऊपर से डाल देते, ज़्यादा नहीं हल्का सा डाल देते हैं। इसे पीस के नहीं डालते हैं, इसे ऐसे ही खड़ा डालते हैं। और ये देखिए ये हल्दी पाउडर है, तो हल्दी मैं जब सुखा रही थी आम, तो हल्दी और नमक मैं डाल दी थी, तो हल्दी देखते हैं हिसाब से डाली मैं हल्दी। और ये हो गया मिर्च पाउडर है, तो इसमें ना दरदरा जो मिर्च होता है ना, दरदरा कूटा हुआ, तो वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, लेकिन ना अभी मेरे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं है, मैं बाद में डाल दूँगी, अभी तो दो तीन दिन सुखाएंगे। तो देखिए ये हो गया, अब इसमें मैं नमक थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि मैं नमक उस समय बहुत ज़्यादा डाल दी थी, इसलिए डाली थी कि अच्छे से पानी छोड़ देगा, इसलिए मैं नमक ज़्यादा डाल दी थी, तो अभी मैं नमक कम डालूंगी। और जैसे लगेगा कि
नहीं ज़्यादा है मतलब कम है तो मैं बाद में डाल दूँगी। और यहाँ देखिए ये सरसों तेल है, सरसों तेल में बहुत अच्छा लगता है, वैसे गर्म करके भी डालते हैं तो मैं पहले हल्का सा डाल देती हूँ और फिर इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो गाइस इसे पूरा भरा हुआ है ना तो इसे अच्छे से मिला लेंगे, धीरे धीरे करके ऐसे मिला लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे अच्छे से मिला लिए हैं आम का अचार, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो बन गया है आम का अचार और ये दो तीन दिन धूप में डालेंगे थोड़ा सा अच्छे से, मतलब पूरा मसाला वसाला अच्छे से मतलब कि रंग जाएगा, मतलब कि मसाला का जो फ्लेवर होता है वो धूप में पक जाएगा। तो इसको फिर दो दिन तक ऐसे ही डालेंगे, फिर इसको बॉयल में भर के रख देंगे। तो चलिए गाइस यही मेरा आम का अचार का रेसिपी था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, हमको अचार को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।